Very good morning, all of you. I welcome you all to the Hindu News Analysis and Editorial Analysis class by Launchpad IAS. So let's start our discussion for today. आज देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या कुछ है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करेंगे. So let's not waste any time at all. So 11th of June, and in the newspaper today we have these items, news items that are important. So Army Air Defence widens wing. So Army का जो air defence है वो strengthen करने की कोशिश की जा रही है. उसके क्या कारण है वो हम देखेंगे. Navy showcases twin carrier operations. तो twin carrier मतलब दो ships एक साथ में coordination में काम कर पाए, इसकी practice start कर रही है Navy. India looks at devising its own standards to assess socio-economic progress. तो जितने भी मेट्रिक्स होते हैं इंटरनेशनल जिसमें इंडिया की रैंक अच्छी नहीं आती है, स्टंटिंग, माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, तो इंडिया अपने स्टैंडर्ड्स बनाने जा रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है. सो उसका क्या रीजन है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. देन थ्री स्टेट्स दे हैव रीबफ्ड, दैट मीन्स रिजेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट्स डायरेक्टिव टू टेस्ट ट्रांसजेनिक कॉटन. क्या होती है ट्रांसजेनिक कॉटन और क्यों ये स्टेट्स रेडी नहीं है इनके ट्रायल्स करने के लिए, बावजूद कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बोल रही है कि इनके ट्रायल्स किए जाएं, राइट. इसके बाद आता है एफएक्यू पेज. एफएक्यू पेज के ऊपर व्हाट इज हैपनिंग विद द क्रिप्टो एक्सचेंजेस, स्पेसिफिकली दो क्रिप्टो एक्सचेंजेस जिनको जिनके खिलाफ यूएस गवर्नमेंट ने कुछ कार्रवाई की है, वो आपके लिए जरूरी नहीं है कि उनके उनके साथ क्या हुआ, कुछ फंड वगैरह में से अप्रोप्रिएट किया था, वो आपको नहीं पढ़ना. बेसिकली एफएक्यू पेज पे आपको कुछ भी नहीं पढ़ना. इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है, इतनी डेप्थ के अंदर आप पढ़ के क्या करोगे. रेलवे, रेलवे की ग्रोथ, रेलवे की सेफ्टी, ये सब इश्यूज लास्ट वीक हमने बहुत सारे डिस्कस किए, इसके ऊपर आंसर्स भी लिखे. एंड देन द थर्ड वन, थर्ड एफएक्यू इज अबाउट आर्कटिक आइस, कि वो पिघल जाएगी. सी क्लाइमेट चेंज की डिस्कशन पिछले 7-8 सालों से बहुत अग्रेसिवली हो रही है और हम बात करते हैं इररिवर्सिबल डैमेजेस की. दैट वंस द डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग इट स्टार्ट्स, उसके बाद वो रिवर्स नहीं हो पाएगी, ठीक है जी. तो उस सेम चीज को एक स्पेसिफिक आर्कटिक आइस के बारे में पढ़ना, द सेम फैक्ट्स आर रिपीटेड. सो इसलिए FAQs को आपको नहीं पढ़ना चाहिए. सो उसको हम निकाल देते हैं तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज. इट विल टेक यू नो 15-20-30 मिनट्स टू कवर अप टूडेज न्यूज़ पेपर. संडे का न्यूज़ पेपर फॉर सम रीजन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, विच इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग. बाद में जब गूगल सर्च करोगे एग्जाम से वापस आके कि ये कहाँ से आ गया, और वो न्यूज़पेपर में तो मिलेगा लेकिन न्यूज़पेपर एंड एग्जाम वो संडे मंडे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा जैसे आप लोग करते हो, है ना, कि संडे को सो लेते हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. तो इट इज इम्पॉर्टेंट. और आज आप देखोगे लाइक प्रोजेक्ट आकाश तीर, वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव. सो वी आर डिस्कसिंग दिस न्यूज रिपोर्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट आकाश तीर. सो इंडियन आर्मी का जो फोकस है पहले वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था. व्हाई डू यू थिंक, क्यों इंडियन आर्मी का सारा फोकस 2020 से पहले वेस्टर्न बॉर्डर्स पे था. 2020 में चाइना के साथ हमारा LAC जो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है वहां पर स्टैंड ऑफ होता है, वहां पे एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर से निकलकर नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हैं वो हमारे फोकस बन जाते हैं, राइट. सो यस, सो वेस्टर्न बॉर्डर्स फोकस क्यों था, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान. हमें लगता था कि जो अग्रेसिव कंट्री है वो पाकिस्तान ही है, बट 2020 से चाइना ने भी अग्रेशन स्टार्ट कर दिया, जमीनें कब्जा लेना स्टार्ट कर दी, एंड LAC के ऊपर स्टैंड ऑफ तब से आज तक चलता जा रहा है. देन यूक्रेन की वॉर में कुछ लेसन्स मिले इंडियन आर्मी को भी, सारी दुनिया को मिले, दैट यू नो मैन पैड्स, there is a thing known as man pads. What is this? This is man portable air defense systems. तो मतलब जो army officers हैं उस वो भी इसको उठा के operate कर सकते हैं, and ये air defense systems हैं. तो ये कुछ कारण बने stand off 2020 का चाइना के साथ और यूक्रेन की वॉर से जो lessons हमें मिले हैं. उसके बाद इंडियन आर्मी ने भी अपने आर्मी के ही एयर डिफेंस सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना स्टार्ट कर दिया,
और उसके लिए एक इनिशिएटिव क्या लिया गया, प्रोजेक्ट आकाश तीर. एंड अंडर दिस इनिशिएटिव आर्मी इज गोइंग टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस पिक्चर फॉर मॉनिटरिंग ट्रैकिंग शूटिंग डाउन एयर डिफेंस एसेट्स. कोई भी दुश्मन देश से थ्रेटन करने वाली चीज आती है हमारे एयर डिफेंस में, तो आर्मी जो है, आर्मी का एयर डिफेंस अंडर द प्रोजेक्ट आकाश तीर, दे आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर्ड टू काउंटर दैट. 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट हो चुका है. ऐसी ही सिमिलर इंडियन एयर फोर्स में है इंटीग्रेटेड एयर कमांड, तो उसी तर्ज पे आर्मी इज ऑल्सो गोइंग टू डेवलप एयर डिफेंस सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट आकाश तीर. और बहुत तेजी से इसको अंडरटेक किया जा रहा है. 2019 दिसंबर में परमिशन मिली थी, 2024 में ये बनके तैयार हो जाएगा, दैट इज द एस्टिमेट. बिकॉज चाइना बॉर्डर के ऊपर बहुत ही अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन है. इंडियन आर्मी चीफ ने इसको सम अप किया था दैट द सिचुएशन इज स्टेबल बट वल्नरेबल. स्टेबल है, जहां पे है वहीं पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खतरा कोई नहीं है. ठीक है जी. सुनाओ, आपको मैंने ये भी बता दिया जो फ्रंट पेज में था, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को बहुत मदद की इसने, एंड पाकिस्तान से निकल के हम चाइना की ओर चल रहे हैं. एंड कुछ इसमें बेसिक टेक्नोलॉजिकल चीजों की बात हो रही है, लाइक रडार्स. आई होप आपको ये पता होगा रडार्स कैसे काम करते हैं. नहीं पता तो ये बेसिक एनसीईआरटी भी है, बेसिक साइंस एंड टेक जो है उसका आप थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे कैसे काम करती है. रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है. कुछ एनिमल्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक बैट्स. दे ऑल्सो ट्रांसमिट सिग्नल्स टू फाइंड आउट कि उनका प्रे कितनी दूर है. देन देयर इज डिस्कशन अबाउट आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स. तो जब भी न्यूज़पेपर में आपको किसी भी मिसाइल सिस्टम की डिस्कशन मिल जाए तो आपको उसको रिसर्च करना है, थोड़ा सा जानना है. कम से कम इतना पता होना चाहिए कौन सा सरफेस टू एयर है, कौन सा एयर टू एयर है, कौन सा एयर टू सरफेस है. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर. इंडिया के मिसाइल सिस्टम्स कौन से हैं, तो आज आपका जो खुद का रिसर्च होना चाहिए दैट शुड बी आकाश. आपको एक मिलेगा आकाश एनजी. एनजी स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन. दिस इज द लेटेस्ट आकाश मिसाइल. ऑल ऑफ दीज आर सरफेस टू एयर, मतलब जमीन से हवा की ओर. ठीक है जी. दैट इज अबाउट इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम. देन आगे चलेंगे, इसमें भी कुछ पढ़ने लायक ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत. ये इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं. किसी भी कंट्री की नेवल स्ट्रेंथ के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना के पास बहुत सारे हैं, अमेरिका के पास उससे भी ज्यादा हैं. इंडिया इज ट्राइंग टू कैच अप, राइट. सो हमारी भी बहुत एक लंबी कोस्ट है. बहुत लंबी कोस्ट होने का मतलब है हमारी नेवी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए. अब INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, इसके बारे में आपको जानना है कि ये कब बनाए गए थे, कौन सा रशियन है, कौन सा इंडिजिनस है. आज के न्यूज़पेपर में इसकी डिस्कशन नहीं है. न्यूज़पेपर में डिस्कशन है कि दो कैरियर्स एक साथ कैसे इन ए कोऑर्डिनेटेड मिशन काम कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह स्टार्ट कर दी गई हैं. एंड इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे बहुत सारे और भी मिसाइल सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सब स्टेशन रहेंगे, तो उनके भी कुछ नाम यहाँ पे आते हैं. MiG-29 के सम फाइटर जेट्स, MH-60R, कामोव, सीकिंग, चेतक, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, राइट. तो एक बार इनको सर्च करना आपने और थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में जरूर जानना. अब मिसाइल सिस्टम्स से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया, और ये एनीवे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये आपको पता होना चाहिए. सो आपने सिर्फ इतनी सी चीज करनी है कि यहां से इसको रीड नहीं करना है, इसमें रीड करके आप कुछ ज्यादा नहीं सीखोगे. व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि इन मिसाइल सिस्टम्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सब के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, पता होना चाहिए. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि एक वर्किंग पेपर निकाला सरकार ने, जिसमें दे आर जस्ट डिस्कसिंग. अभी हुआ नहीं है कुछ भी, अभी डिस्कशन हुई है दैट क्या अपने तरीके से पैरामीटर्स हमें डिसाइड करने चाहिए. बिकॉज सी, यूरोपियन बॉडी साइज, अफ्रीकन ह्यूमन बॉडी फीचर्स, इंडियन ह्यूमन बॉडी फीचर्स, चाइनीज, एवरी
ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट. तो आप सेम अगर पैरामीटर से किसी भी चीज को मेजर करने की कोशिश करोगे, चाहे वो अंडरवेट हो, अंडर न्यूट्रिशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, स्टंटिंग हो, या फिर सोसाइटल कंडीशंस हर एक देश के अंदर डिफरेंट हैं, एंड इफ यू हैव द सेम पैरामीटर्स टू मेजर एनीथिंग, तो वो सही पिक्चर नहीं शो करेगा. ऐसा मानना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, खासकर हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री का. तो क्या होता है कि हमारा अच्छा रैंक नहीं आता इंटरनेशनल इंडिकेटर्स में, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं. हम रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारा अच्छा रैंक नहीं है, तो कैलकुलेट करने का तरीका ही गलत होगा. लेकिन कुछ लोग इस चीज को मानते हैं. सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग नाउ इज कि हमारी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए, हमारे लोकल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स को लेते हुए, हमारी अपनी रैंकिंग सिस्टम्स होने चाहिए इंटरनेशनल, वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम, एक साइज सबको फिट करने की कोशिश करना. ऐसे सिस्टम में हमारी एंड इवन अफ्रीकन कंट्रीज की, जितने भी दस अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी रैंकिंग्स अच्छी नहीं आती, वहां पे एग्जैजरेट हो जाती है प्रॉब्लम, ऐसा मानना है इन कंट्रीज का. इज दिस क्लियर? हाँ जी. सुनाओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ इतनी बातचीत कर रही है कि कैसे हम डिफरेंट पैरामीटर्स अपनाएं. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी थोड़े से चेंजेस किए थे, वहां पे अनीमिया नहीं मेजर किया जाएगा. बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसकी, लाइक अनीमिया के मेजरमेंट जब आप फिंगर टिप से लेते हो तो खराब होती है, एग्जैजरेटेड आती है, एंड सो ऑन. एंड सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल. सो यहां इस सेम चीज को एक बड़े स्केल पर सभी चीजों के लिए अपने हमारे खुद के पैरामीटर्स हों, दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू डू. एंथ्रो इज ऑलवेज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स. ओमेट्रिक, मेट्रिक मीन्स मेजरमेंट. एज आई टोल्ड यू, बॉडी साइज एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट. आगे चलेंगे जी. वॉट इज ट्रांसजेनिक क्रॉप? सो अगर तो बहुत रिसेंटली आपने ज्वाइन किया फिर तो शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन इफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस वी हैव डिस्कस दिस. ट्रांस हिमालयाज क्या होते हैं, ट्रांसजेंडर क्या होता है, द वर्ड ट्रांस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. एंड जेनिक, इट स्टैंड्स फॉर जीन्स. एक ऑर्गेनिज्म का जीन उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देना, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर देना, जीन्स को मॉडिफाई कर देना. इज इट क्लियर? तो दिस इज ट्रांसजेनिक, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स. सो दैट इज वॉट वी हैव डन. कॉटन जो है उसमें एक सॉइल का बैक्टीरिया, उसका जीन निकाल के डाल दिया हमने और कुछ प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं. अब हम रिसेंटली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉटन की जो फसल है उसको पिंक बॉल वॉर्म, इसको हिंदी में गुलाबी सुंडी बोलते हैं, तो वो सारी फसल को खराब कर देता है. तो नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, एक कंपनी ने रिसर्च करके एक वैरायटी ऑफ सीड बनाया है, दिस इज ट्रांसजेनिक कॉटन, और ये हैदराबाद बेस्ड बायोसीड रिसर्च इंडिया कंपनी ने बनाया है. एंड इसमें जीन कौन सा डाला गया है, क्राई टू ए आई, वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू सीइंग दिस, आपको दिख रहा है? तो दिस इज सी आर वाई टू ए आई, राइट? सो दिस जीन हैज बीन इंसर्टेड इन कॉटन so that it becomes resistant to pink bollworm. तो अब pink bollworm जो एक pest है, एक कीड़ा है, वो इसको नहीं खराब करेगा, ये कोशिश है. लेकिन पहले trial करने पड़ेंगे. तो open trial जो थे वो किए जाने के लिए GEAC, what is GEAC? It is the most important body. यही सारे approvals, permissions देगी किसी भी genetically modified organism के trials के लिए और final उसके use के लिए भी. This is Genetic Engineering Appraisal Committee. तो इसने एक ओपन फील्ड ट्रायल के लिए चार साइट्स चुनी डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, जिसमें हरियाणा ने तो एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे इस खेत में आके आप इसको टेस्ट कर लो, लेकिन बाकी सब जो स्टेट्स हैं, तेलंगाना, गुजरात, इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमारे यहां पे ट्रायल नहीं होना चाहिए, वी हैव सम प्रॉब्लम. किसी ने कह दिया कि हमें और समय चाहिए. सो तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र ने मना कर दिया. हरियाणा इज द ओनली स्टेट जिसने एक्सेप्ट किया कि ओपन फील्ड ट्रायल्स कर दी जाएं. दैट इज ऑल यू नीड टू नो फ्रॉम दिस न्यूज रिपोर्ट. इसके अलावा पिछले जो हमने डिस्कशंस की हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन को लेके, जीईएसी की फंक्शनिंग को लेके, और आगे जो हमारी बातचीत होगी जब भी न्यूज पेपर में एक्सप्लेनर आएंगे अबाउट दिस,
एंड एनी अदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन रिलेटेड न्यूज रिपोर्ट, तो वो हम पढ़ेंगे। मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि अगर एक घंटे से कम के समय में आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है तो आप कम रिपोर्ट्स पढ़ोगे और ज्यादा इश्यूज पढ़ोगे। इश्यूज आर इंपॉर्टेंट राइट। यहाँ पे सारी कहानी लिखी हुई है कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमें 45 दिन और चाहिए फैसला लेने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा क्यों चाहिए। तो एक एनजीओ है जिनको जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स नहीं पसंद, वो कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती क्यों स्टेट से पूछ रहे हो, तो ये सब कहानियां पढ़ के आप क्या करोगे राइट। सो दैट इज व्हाई आई रीड कंप्लीट न्यूज़पेपर फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड राइट। तो वो चिंता आप मेरे पे छोड़ दो कि कुछ छूट जाएगा रह जाएगा। इवन एफएक्यू पेजेस पे भी जब आप जाओगे वहां पे भी आप इवन इफ यू रीड फॉर एश्योरेंस तो वहां पे भी ऐसी कहानी है। इफ यू इमेजिन कि आप कहां इसका इस्तेमाल करोगे, अगर प्रॉब्लम होती क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि कैसे वो इकोनॉमीज को डिसरप्ट कर सकती है फिर हम पढ़ते। लेकिन अगर इशू ये आ रहा है कि बाइनेंस को क्यों बैन कर दिया जी, उसने उसके सीईओ ने क्या किया, पैसा उठा के इन्वेस्टर्स का कहां ले गए हैं, यूरोप के अंदर कंपनी थी उसकी, सो वो ये सब चीजें आपके लिए फायदेमंद नहीं है राइट। सो लाइक का बटन दबाओ। संडे का न्यूज़पेपर आज खत्म हो गया, रेलिवेंट सारी चीजें आपने पढ़ ली है, सही तरीके से करने पे आए, स्मार्ट स्टडी करें तो ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है जी। सो दैट इज ऑल, गो हैव ब्रेकफास्ट विद योर फैमिलीज, एंजॉय योर संडे एंड देन गेट बैक टू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऑलराइट जी, बाय।